मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, तेरा औरों के साथ संबंध होता है, तो तुझे समाज में रहना है, परिवार में रहना है। और सोच के देख कि जब कोई व्यक्ति तेरी हत्या करे तो तुझे अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई व्यक्ति तेरी कोई प्रिय वस्तु चुरा ले तुझे अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई व्यक्ति तेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ व्यभिचार कर ले तुझे अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर तुझे ठगे तुझे अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई व्यक्ति कड़वी बात बोलकर तेरा मन दुखाए, चुगली की बात बोलकर के तेरा मन दुखाए, निंदा की बात बोल के तेरा मन दुखाए तुझे अच्छा नहीं लगता ना। अरे इसी प्रकार भाई, जब तू किसी की हत्या करे, तब तू किसी की पराई वस्तु चुराए, जब तू किसी के परिवार के व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर ले, जब तू झूठ बोलकर किसी को ठगे, जब तू कोई कड़वी बात बोल करके, निंदा की बात बोल करके, चुगली की बात बोल करके किसी का मन दुखाए, उसको कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो बात समझ में आए, अपने जैसा सबको जानो भाई। जो बात मुझे नहीं अच्छी लगती वो औरों को भी नहीं अच्छी लगती, तो इससे बचना चाहिए। और एक तरह से समझाया, और जो समझदार थे उनको समझाया कि अरे तू जब जब ये शील सदाचार का भंग करेगा, हत्या करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, झूठ बोलेगा, कड़वी बात बोलेगा, तो सारे वातावरण को अशांत कर देगा, तेरे चारों ओर आग लग जाए, तो तुझे शांति कहां से मिलेगी, शीतलता कहां से मिलेगी? तू भी तो उसमें तप्त होगा, संतप्त होगा। ओ, इसलिए अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। इतना ही नहीं, और जो समझदार लोग थे उनको धर्म की गहराई से बात सिखाई गई। तू जब जब शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करता है, चोरी करे, हत्या करे, व्यभिचार करे, झूठ बोले, तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने मन में कोई विकार न जगा ले। हत्या करेगा क्रोध जगाना होगा, चोरी करेगा लोभ जगाना होगा, व्यभिचार करेगा वासना जगानी होगी, झूठ बोलेगा अहंकार, ममंकार, भय, ईर्ष्या, न जाने कोई ना कोई विकार जगाना पड़ेगा। और ऐसे विकार जगाया कि तुझे दंड मिलना शुरू हो गया। पुब्बे हनति अत्तानंग पच्छा हनति सो परे। पहले अपना हनन हुआ, फिर किसी दूसरे का हनन हुआ। जब जब शील सदाचार का भंग किया, अपनी हानि की, औरों की हानि की। अरे समझ भाई इस कुदरत के कानून को, और इससे बच। लोग इस प्रकार धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझें, वैज्ञानिक रूप से समझें तो सदाचार का पालन करें, सदाचार का पालन करें तो अपना भी मंगल करें, औरों का भी मंगल करें। धर्म में मंगल।